चरण कल होगा। 5 केडी पर सुबह 9 बजे से कार्यक्रम होगा। आईआईएम के शिक्षक 5 केडी पर आएंगे। योगी सरकार की पाठशाला कल फिर चलेगी। प्रदेश के सभी मंत्री अफसर मौजूद रहेंगे। सीएम योगी भी पाठशाला में मौजूद रहेंगे। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे स्टेट हेड वीरेंद्र सिंह हमारे साथ मौजूद हैं। वीरेंद्र जी, जिस तरह से पिछले 2 सेशन हुए हैं, तमाम सीखें दी गई योगी सरकार के मंत्री को, कल तीसरा चरण। बिल्कुल, देखिए योगी सरकार मंत्रियों के बीच कामकाज की दक्षता को बढ़ाने के लिए, सरकार के कामकाज में सरलीकरण लाने के लिए आईआईएम लखनऊ प्रबंध संस्थान के शिक्षकों से लगातार पाठशाला ले रही है। उसके सारे मंत्री और आईएएस अधिकारी इसमें शामिल होते हैं। सरकार के अधिकारी प्रेजेंटेशन देते हैं, मंत्री प्रेजेंटेशन देते हैं, आईआईएम के शिक्षक देते हैं। तीसरा चरण है कल 5 केडी पर सुबह 9 बजे से इसका आयोजन किया गया है। पहले 2 चरण में सरकार के अधिकारी और मंत्री आईआईएम जाकर प्रबंधक के गुण सीख चुके हैं। तीसरे चरण में आईआईएम के अधिकारी कल मुख्यमंत्री के आवास पर आकर प्रशिक्षण देंगे। तो उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने एक अभिनव प्रयोग किया है कि मंत्री जो हो उसको सरकार का कामकाज कैसे होता है, मूवमेंट कैसे होता है, कैसे प्रोजेक्ट बनाकर उस पर आगे बढ़ा जाए, किस तरह के प्रबंधन की व्यवस्था हो, इन सब चीजों पर लगातार सरकार अपने मंत्रियों को पर लगातार उनकी क्लासेस करा रही है, उनको सलाह दे रही है, उनको प्रेजेंटेशन दे रही है। तो स्वाभाविक है कि उत्तर प्रदेश के विकास में ये काफी अहम होगा और काफी इसका महत्व है। जी वीरेंद्र जी, तमाम जानकारी देने के लिए आपका शुक्रिया। बढ़ते आगे, यूपी विधानसभा के अध्यक्ष हृदय नारायण दीक्षित आज लंदन पहुंचे। अधिकारियों के साथ